दोस्तों, आज की वीडियो में हम C++ की इनपुट और आउटपुट हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। C++ इनपुट कैसे लेता है और इनपुट किस डिवाइस से लेता है और आउटपुट किस डिवाइस से हमें देता है और ये C++ की कोड किस तरह हैंडल करता है। C++ में cout जो है ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। ये C++ में एक आयोस्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। आयोस्ट्रीम हेडर फाइल है, लेकिन C++ के डेवलपमेंट के दौरान आयोस्ट्रीम एक क्लास भी उन्होंने लिखा था और इसमें cout ऑब्जेक्ट था जो कि वो स्क्रीन आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है और cn उस क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये स्टैंडर्ड इनपुट है और कीबोर्ड के जरिए हम C++ में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं प्रोग्रामिंग में। अच्छा, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के बारे में बात थोड़ी सी बात करते हैं। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए C++ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है और वो कीबोर्ड और स्क्रीन के जरिए करता है। मैंने पहले कहा स्क्रीन के जरिए हमें आउटपुट देता है और कीबोर्ड के जरिए हमसे इनपुट लेता है। या तो C++ प्रोग्राम करेक्टर इंसर्ट करेगा, मतलब हमसे करेक्टर लेगा या हमें करेक्टर देगा। ये C++ की कोड डिपेंड करता है और ये स्ट्रीम है, फ्लो है, मतलब इनपुट फ्लो है और आउटपुट फ्लो है और ये C++ इनपुट और आउटपुट्स जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है आईओ स्ट्रीम, उसके जरिए उसके दो ऑब्जेक्ट है cout और cn। आमतौर पर cn और cout से हम इनपुट और आउटपुट फ्लो का इस्तेमाल करते हैं cout और cn की मदद से। और भी बहुत से फंक्शन है, इसकी वजह से भी हम इनपुट ले सकते हैं प्रोग्रामिंग में और आउटपुट भी हम दे सकते हैं कोडिंग में। और फंक्शन है गेट्स है, पुट्स है वगैरह। C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आयोस्ट्रीम है। आयोस्ट्रीम जो है वो उसमें इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम दोनों डिक्लेयर की गई है। बहुत से ऑब्जेक्ट हैं उसमें जो कि इनपुट और आउटपुट के इस्तेमाल होती है। वो एक बहुत बड़ी दुनिया है स्ट्रीम। इसमें बहुत से C++ और भी बहुत फंक्शन है। अच्छा, स्टैंडर्ड आउटपुट cout जो है वो मतलब कि C++ प्रोग्राम में हर प्रोग्राम में जो डिफॉल्ट जो पहले से तयशुदा है वो स्क्रीन है। स्क्रीन पर हमें आउटपुट दी जाती है। आउटपुट हम किसी फाइल को भी दे सकते हैं। मेरा एक वीडियो है हाउ टू राइट टू अ डॉट txt फाइल इन C++। उस वीडियो में हम आउटपुट एक फाइल में सेव करते हैं, मतलब हम जो भी आउटपुट लिखते हैं वो एक फाइल में सेव हो जाता है और हम उस फाइल से इनपुट भी ले सकते हैं। लेकिन डिफॉल्ट जो C++ में आता है वो स्क्रीन है और cout की मदद से हम इस स्क्रीन पर आउटपुट देते हैं। और cout का जो अपना सिंटैक्स है वो कंजंक्शन, मतलब कि इस इंसर्शन के निशान के साथ cout हम लिखते हैं। पहले cout लिखते हैं और बाद में ये दो इंसर्शन, इसको कहते हैं दो बड़े ब्रैकेट, इसको कहते हैं एंगल ग्रेटर देन निशान, दो दफा लिखते हैं, इसको इंसर्शन कहते हैं। दोनों को साथ में पहले cout लिखते हैं और बाद में इंसर्शन साइन, और उसके बाद कोट्स में अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो C++ का वो कांस्टेंट स्ट्रिंग बना और हमें वही स्क्रीन पर नजर आएगा। अगर हम कुछ वेरिएबल लिखे तो उसकी वैल्यू हमें स्क्रीन पर नजर आएगी। हमारे साथ यहाँ पर एक कोड है cout और वो इंसर्शन निशान है, बाद में आउटपुट लिखी है हमने कोड्स में बन की है, तो ये स्क्रीन पर सिर्फ आउटपुट प्रिंट करेगा। आप ये कोड ट्राई करें और इसके साथ हेडर फाइल भी लिख के और मेन भी लिख के, मेन के अंदर यही कोड लिख के, अगर आप C++ में बिल्कुल नए हो तो मैं ये तो मैंने बहुत प्रोग्राम की एक सेगमेंट लिख के, मतलब कि एक हिस्सा लिखा है और cout 1 2 3 लिखा है, तो ये स्क्रीन पर हमें फिक्स वैल्यू 1 2 3 जो है वो आउटपुट देगा। cout वेरिएबल, ये वेरिएबल किसी वैल्यू के लिए हमने लिखी होगी और इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी हमें स्क्रीन पर वही नजर आएगा। ये इंसर्शन साइन जो है ये स्क्रीन को आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होता है। cout भी है, cout इसका ऑब्जेक्ट है क्लास का, आयोस्ट्रीम क्लास का cout ऑब्जेक्ट है और इस इंसर्शन ये इसका सिंटैक्स है।
और ये आउटपुट प्रिंट करेगा, मैंने आपको कहा 1 2 3 कास्ट एंड वैल्यू हमने लिखी है ये प्रिंट करेगा, अगर वेरिएबल की जो वैल्यू है वही प्रिंट हमें करेगा। इंसर्शन का जो आप निशान है ये, अगर आप बहुत से स्ट्रिंग है और अलग अलग आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सीआउट के बाद एक ही सीआउट में और एक लाइन में आप बहुत से इंसर्शन साइन लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आउटपुट लिखा है, बाद में अगर आप इंसर्शन साइन करें और कुछ और लिखे, कोर्स में लिखे, कांस्टेंट वैल्यू या किसी कोई वेरिएबल लिखे और उसकी वैल्यू है वही फ्रंट हो जाएगा, और लाइन भी लिख सकते हैं और वो भी इंसर्शन साइन से अलग होगा सी आउट में। मतलब कि यहाँ पर हमारे साथ एक एग्जांपल है, सी आउट वेलकम टू द फर्स्ट सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में जो है ये मैसेज फ्रंट होगा लास्ट में, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम, लेकिन सी प्लस प्लस स्टेटमेंट, लेकिन ये यूजर को पता नहीं चलेगा कि ये कोड किस तरह है, ये अलग अलग है, वेलकम अलग लिखा है सी आउट में इंसर्शन साइन के एक हिस्से में और टू दूसरे हिस्से में लिखा है, ये यूजर को पता नहीं चलता, ये प्रोग्रामर को पता चलता है और जिसने लिखा है सिर्फ उसको पता चलता है, क्योंकि कोड लिखने के बहुत से तरीके हैं। अब यहाँ पर बहुत से इंसर्शन साइन हैं और इंसर्शन साइन की हमें बहुत ज़रूरत होती है अगर हम एक दूसरे से मुख्तलिफ, मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट है और हम वेरिएबल भी इस लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं, तो वेलकम स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इस वजह से वो हम इंसर्शन साइन पर एक दूसरे से अलग करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक एग्जांपल है, सी आउट अस्सलाम वालेकुम आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, ये क्लास वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग है और ये बाद में जो क्लास लिखा है वही तरफ प्रिंट होगा स्क्रीन पर, मतलब इस क्लास की जो वैल्यू हम सी एम में लेंगे या यूजर से लेंगे या हमने डिक्लेरेशन के दौरान इनिशियलाइज भी की है कि हम क्लास 12 के हैं, मतलब कोई भी क्लास है हमारा, तो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये स्ट्रिंग अस्सलाम वालेकुम और ये लास्ट वाला जो स्ट्रिंग है कांस्टेंट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल है, तो हमने इसे इंसर्शन साइन पर एक दूसरे से अलग की है। अगर इस क्लास की वैल्यू मिसाल के तौर पर 12 है तो ये स्टेटमेंट इस तरह स्क्रीन पर आएगा, आउटपुट इस प्रोग्राम की यू आएगा, ये एक हिस्सा है प्रोग्राम की, आप सारा प्रोग्राम लिख सकते हैं, तो आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लास और उसको वैल्यू देनी पड़ेगी सी एन के जरिए या इनिशियलाइज करते हुए प्रोग्राम के अंदर, हेडर पाथ और मेन भी लिखना पड़ेगा और इसके आउटपुट यू आएगा, अस्सलाम वालेकुम आई एम स्टूडेंट ऑफ फिल क्लास, वैल्यू फिल है क्लास वेरिएबल की। अच्छा, स्टैंडर्ड इनपुट सी एन क्या है? सी एन जो है नॉर्मली कीबोर्ड, सी एन हम इनपुट के लिए नॉर्मली हम कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक स्टैंडर्ड है सारी दुनिया में कीबोर्ड इनपुट के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, माउस भी है वगैरह, लेकिन कीबोर्ड पहले था, माउस बाद में आया है। और सी एन जो हैंडल करता है वो सी प्लस प्लस में सी एन ऑब्जेक्ट जो है वही हैंडल कर सकता है एक्सट्रैक्शन साइन के साथ साथ, पहले हम सी एन लिखेंगे और बाद में एक्सट्रैक्शन साइन लिखेंगे। तो ये सी एन जो है ये इनपुट के लिए इंतज़ार करेगा जब तक हम कोई करेक्टर वैल्यू नहीं एंटर करेंगे, अगर हमने एंटर की तो मतलब एंटर की नल वैल्यू है और सी एन फिर भी कुछ वैल्यू के लिए इंतज़ार करेगा, ये स्क्रीन को कैच करता है, वो कंसोल वाला स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन जो होता है ये इसको कैच करता है जब तक कि कोई वैल्यू एंटर नहीं हो सकती, और ये तब तक के लिए वेट करता है जब आप फिर वैल्यू के बाद एंटर नहीं दबाते हैं तो ये वेट करता है। और इसका सेंटेक्स ये है सी एन लिख के और एक्सट्रैक्शन साइन लिख के, सी एन हमने सी आउट लिख किया तो कांस्टेंट स्ट्रिंग हमने लिखा था या कुछ और हम प्रिंट करते हैं तो वही कोट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन सी एन के लिए हमें वही तरीके से हम डायरेक्ट, मतलब हम डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं ले सकते सी एन में, हमें ज़रूर कोई वेरिएबल डिफाइन करेगा डिफाइन करना पड़ेगा अगर हम कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो, इसके लिए मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसके लिए हमें इंट वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, हम स्ट्रिंग से
एन में स्ट्रिंग लेना चाहते हैं तो हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करनी पड़ेगी, डिक्लेयर करनी पड़ेगी। हमारे साथ यहाँ पर कोट्स कोट है, यहाँ पर एक कोट का सिंपल हिस्सा है। इंट मार्क्स, हम यहाँ पर मार्क्स सी एन में लेते हैं तो सी एन के लिए एक वेरिएबल लाजमन जरूरी होती है कि वो इस वैल्यू का मतलब इस वैल्यू को सेव करें। यहाँ पर मार्क्स जो है ये इन टाइप की है, और मार्क्स हमारे साथ हमेशा इन टाइप की होती है या फ्लोट की अशारिया वाला अक्सर ज्यादातर जीपीए में होता है, नॉर्मली मार्क्स अशारिया में नहीं होती। तो इस वजह से ये सी एन यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट, यहाँ पर ये पहला जो स्टेटमेंट है इन मार्क्स, ये एक वेरिएबल डिफाइन करता है इन टाइप की, और ये दूसरा स्टेटमेंट जो है सी एन, ये कीबोर्ड के स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, मैंने आपको पहले कहा, इस इसकी वैल्यू को इंतजार करता है तब तक के लिए अपना स्क्रीन कैच करता है जब तक कि हम कोई वैल्यू एंटर नहीं करते हैं, और ये मार्क्स के लिए वैल्यू के इंतजार करता है, और जब वैल्यू एंटर करे और बाद में एंटर बटन दबाए तो मार्क्स में वही वैल्यू सेव होगी अगर वो एंड की हद तक उसकी रेंज है, अगर उस वैल्यू की अगर इससे बड़ी है तो ये वो और हिंसा जो है बड़े वाला वो डिस्कार्ड करेगा, इग्नोर करेगा, और जितनी वैल्यू एंड में आती है वही तक सेव करेगा। द ऑब्जेक्ट सी एन जो है ये वैल्यू जब तक हम कोई वैल्यू एंटर नहीं करते हैं तो ये तब तक के लिए स्क्रीन को वेट करता है, जब हम वैल्यू एंटर करें तो ये बाद में एंटर का इंतजार करते हैं, अगर हम वीडियो एंटर नहीं करते या बहुत वीडियो एंटर करते हैं तो ये फिर भी इंतजार करता है जब तक कि हमने एंटर नहीं दबाया है, और जब हम एंटर दबाए तो सी एन का जो कोड है वही प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है, और ये कोड खत्म हो जाता है बाद में, इसके जो लाइन है वही एग्जीक्यूट होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक प्रोग्राम में लिखा है सी एन, और सी आउट को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ये किस तरह काम करते हैं, इसका प्रोग्राम किस तरह होता है। पहले है सिंक्रोनस स्ट्रीम लिखा है, अगर आपके पास टर्बो कंपाइलर है तो आपको स्ट्रीम के बाद डॉट एच लिखना पड़ेगा, दोनों एक ही चीज है, बस इतना सा सेंटेक्स में पर है। इसमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम लिखते हैं, टर्बो टर्बो वाला जो कंपाइलर होता है इसमें हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखते, और हर हेडर फाइल के साथ डॉट एच लिखना पड़ता है। हमारे प्रोग्राम की बॉडी मेन से शुरू होती है, यहाँ पर हमने एक फ्लोट एज फ्लोट टाइप की एज वेरिएबल डिक्लेयर की है, इसमें फ्लोट वैल्यू सी होगी, हमने बाद में सी आउट लिखा है। सी आउट जो है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हमें स्क्रीन पर आउटपुट करेगा, प्लीज एंटर योर एज इस तरह स्क्रीन पर लिखा आएगा। तो सी एन जो है ये अब वैल्यू लेगा, लेकिन वैल्यू किस किस वेरिएबल में सेव करेगा, हमने एज लिखा है यहाँ पर। सी एन जब हमसे वैल्यू लेगा तो ये एज में सेव करेगा, और बाद में दोबारा सी आउट इस तरह का वैल्यू वो कांस्टेंट स्ट्रिंग जो है स्क्रीन पर आउटपुट करेगा। फिर इंसर्शन साइन पर हमने एज इससे अलग की है क्योंकि ये वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू स्क्रीन पर आनी पड़ेगी, और ये हो तो यही तरीके से द एज यू एंटर एज यही तरीके से स्क्रीन पर प्रिंट होगा, एज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस वजह से ये इंसर्शन साइन पर हमने अलग की है। और ईयर जो है ये कांस्टेंट है, एज के बाद प्रिंट होगा, रिटर्न जीरो। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम की ये कंट्रोल हवाला कर देता है कि हम प्रोग्राम सही तरीके से प्रिंट हो चुका है, और कंट्रोल ले आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम यू आएगा, प्लीज एंटर योर एज, हमने मिसाल के तौर पर 16 एंटर की, तो दोबारा यही वीडियो हमारे साथ स्क्रीन पर आएगा, द एज यू एंटर एज 16। ये एज हमने जो एज वेरिएबल लिखा था उसकी वैल्यू सी एन में 16 सेव हो गई, सी एन ने उसे 16 वैल्यू दे दी, अगर हम कुछ भी एंटर करें वही वैल्यू इसमें सेव होगी, और बाद में फ्रेंड की दूसरे स्ट्रिंग के साथ जमा करते हुए तो रिजल्ट कुछ और मीनिंगफुल हो गई है। और सी एन में भी हम बहुत से एक्सट्रैक्शन साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम दो वेरिएबल की वैल्यू लेना चाहते हैं, तीन वेरिएबल की। ये स्टेटमेंट जो है सी एन एक्स वाई, यहाँ पर जब तक हम दो वैल्यू नहीं देते, एक एंटर के बाद दूसरा वैल्यू नहीं देते और
बार बार एंटर दबाएं तो ये स्क्रीन जो है वो हमारे साथ कैच करेगा सी एन ऑब्जेक्ट जब तक कि हम विल यू नहीं देते, और जब विल यू दे तो फिर एंटर तक सी एन जो है वही स्क्रीन कैच करेगा। और ये स्टेटमेंट जो है ये इसके बराबर भी है अगर आप सी एन एक्स अलग ले रहे हैं और सी एन वाई अलग ले रहे हैं। यहाँ पर यूजर को मैंने कहा दो वैल्यू की ज़रूरत है, एक्स के लिए वो एक वैल्यू देगा और बाद में एंटर करके वाई के लिए दूसरा वैल्यू लेगा। सी एन और स्ट्रिंग सी एन जो है सी एन जिस तरह वेरिएबल की वैल्यू ले सकता है इस तरह इसमें स्ट्रिंग भी हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है। अगर हमने सिंपल वेरिएबल ली है स्ट्रिंग वेरिएबल तो उस वेरिएबल में हम लाइन लिखते हैं एक स्ट्रिंग लिखते हैं, तो अगर इसमें कोई ब्लैंक स्पेस आ गया और हमने एंटर दबाया वो सारा सेंटेंस हम एंटर करेंगे लेकिन इसमें सिर्फ स्पेस तक की जो वर्ड है वही आएगा सी एन में, क्योंकि सी एन सिर्फ एक ही वर्ड ब्लैंक तक इसकी जो स्कोप है ये ब्लैंक तक है और ब्लैंक के बाद ये वैल्यू होल्ड नहीं कर करता, ये डिस्कार्ड करता है बाद में जो भी वैल्यू है अगर आपने सी एन के लाइन में लिखा है, लेकिन ये डिस्कार्ड करेगा और वही वैल्यू हमारे साथ इग्नोर हो जाएगी। और अगर वो ज़रूरी वैल्यू है तो वो मतलब ज़ाया हो जाएगी और हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है सी एन टेस्ट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का एग्जांपल है कि सी एन स्ट्रिंग किस तरह लेता है। मैंने आपको कहा सी एन जो है ये ब्लैंक स्पेस के बाद सारा स्ट्रिंग इग्नोर करता है, यही पर लिखा है। अगर हम सारा लाइन लेना चाहते हैं कि पूरा स्ट्रिंग जो है हमारे साथ स्क्रीन पर आए तो वो गेट्स फंक्शन के लिए बड़े बड़े प्रोग्रामर जो है अच्छे प्रोग्रामर उन्होंने सी एन के सारे एंटायर लाइन के लिए मतलब सारी स्ट्रिंग के लिए उन्होंने एक फंक्शन हमें रिकमेंड की है वो गेट्स है। अगर हम सारा स्ट्रिंग लेना चाहते हैं तो गेट्स फंक्शन इस्तेमाल करें सी एन के बजाय। यहाँ पर हमारे साथ एक प्रोग्राम है, अगर हम सी एन के ज़रिए बहुत सारे लाइन लेना चाहते हैं तो हमें करेक्टर रे जो है वो डिफाइन करने पड़ेगी, डिक्लेयर करने पड़ेगी। यहाँ पर टेस्ट एस टी आर है, हमने 60 यहाँ पर मतलब 60 करेक्टर तक इस टेस्ट एस टी आर में जो है वो लाइन आती है, तो सी एन में 60 करेक्टर तक कुछ भी उससे हो सकता है, अगर वो स्पेस है ब्लैंक है सिंबल है कुछ भी है सी एन वही हमसे लेगा। यहाँ पर हमने प्रोग्राम यू लिखा है सी आउट एंटर योर नेम प्लीज, हम स्क्रीन पर यही आउटपुट आएगा एंटर योर नेम आपका नाम क्या है, तो हम नाम एंटर करेंगे तो बाद में ये स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है प्रिंट होगा न्यू लाइन कर एस्केप सीक्वेंस के साथ। न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंसेस की एक वीडियो में आपको जरूर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। योर नेम इस तरह प्रिंट होगा और बाद में टेस्ट एसटीआर अगर हमने सी एन में कोई भी नाम लिखा है तो वही हमारे साथ प्रिंट होगा और रिटर्न जीरो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम खत्म होने की कंट्रोल लेता है कि प्रोग्राम सही तरीके से खत्म हो चुका है। यहाँ पर आउटपुट कुछ यू आएगा एंटर योर नेम, मिसाल के तौर पर मैंने उस्मान वहाब लिखा योर नेम इज उस्मान वहाब, इस तरह स्क्रीन पर आएगा। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गेट्स फंक्शन फुट्स फंक्शन और गेट सी एच फंक्शन, इसका फर्क क्या है और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें।